News 18, India. तो जेडीयू ने अब आरजेडी के खिलाफ पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आरजेडी खेमे से बड़ी खबर आ रही है। लालू यादव ने सभी विधायकों को पटना में रहने के निर्देश जारी किए हैं। लालू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि अगले कुछ दिनों तक आरजेडी के सभी विधायक और एमएलसी पटना में ही रहे। सबसे बड़ी जानकारी देखिए, एक तरफ जो है आरजेडी की तरफ से एक बड़ी बैठक जो है की गई, जिसमें विधायक दल के तमाम नेता जो है वो मौजूद थे, और इन सबके बीच में अब लालू यादव की तरफ से अपने सभी विधायकों को इस बात का साफ संदेश दिया गया है कि कोई भी पटना छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि आरजेडी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है, लालू यादव खुद ये बात कह चुके हैं कि तुरुप का इक्का अभी तक हमने नहीं फेंका है। तो बिहार में जेडीयू और आरजेडी के अलग होने का लगातार दावा जो है पुख्ता होता नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू का एनडीए में जाने का पूरा फॉर्मूला तैयार हो चुका है, लेकिन इस बीच आरजेडी की बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में अभी खेल होना बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश पूछते थे कि 2005 से पहले बिहार में क्या था, लेकिन अब देखिए तेजस्वी यादव की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि अभी भी खेल बाकी है, अभी भी उनके पास विकल्प बचे हुए हैं। ये आरजेडी की तरफ से अभी भी बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि खेल होना अभी बाकी है, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी की बैठक के बाद मनोज झा का बयान सामने आया। मनोज झा ने कहा, लालू यादव ही आखिरी फैसला लेंगे। आरजेडी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे मनोज झा कह रहे हैं कि देखिए जो भी फैसला होगा, जो भी लिया जाएगा, लालू यादव लेंगे और उस पर सर्वसम्मति से जो है हम सब आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके का राजनीतिक हालात चल रहा है उस पर हमारी पूरी तरीके से नजर है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच में कहा जा रहा है शाम 7 बजे इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। बैठक बहुत सकारात्मक हुई, अलग अलग पहलुओं पे चर्चा हुई। हमारे पूरे विधानमंडल दल की बैठक थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी भी थे, डिप्टी सीएम साहब थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव थे और एक एक विधायक और विधान पार्षद। बैठक में समकालीन राजनीति में जो चल रहा है हर मुद्दे पे चर्चा हुई, चाहे राष्ट्रीय मुद्दे हो या राज्य के मुद्दे हो। उसके बाद चर्चा के पश्चात हर पहलू पे गंभीरता पूर्वक विश्लेषण के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद जी को सब लोगों ने हाथ उठाकर अधिकृत किया